नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। आपको बता दें कि सिवान जिले में 20 सितंबर से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगी। आइए बात करते हैं सिवान सिविल सर्जन ने इस पर क्या कुछ कहा है। लोगों को दवा देके रोकने का प्रयास है, 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, फिर अगले माह पोलियो के बाद चलेगा। उसमें एक एल्बेंडाजॉल और डाइएथिल कार्बामेथाजीन की गोली खिलाई जाती है, उससे भविष्य में फाइलेरिया होने की आशंका खत्म हो जाती है। किस किस क्षेत्र में सर ये चलेगा? ये तो हर जगह करना है, हर जिस क्षेत्र में सर जल जमाव से जो क्षेत्र प्रभावित है वहाँ पे कैसे योजना बनेगी? अभी चूंकि बारिश हो गई है, योजना तो बहुत पूर्व में बनती है, वहाँ पर कठिनाई के साथ जाके आशा आंगनबाड़ी जिनको भी देना है वो जाएंगी, जाती हैं, उनको भी कठिनाई होती है। ये तो घर पे जाके दवा देनी है, दवा के लिए किन्हीं को बुलाया नहीं जा रहा है कहीं, तो कर्मियों को ज़्यादा कठिनाई है, इस बाधा को पार करते हुए भी वो जाएंगे। हमारे जिला में एक 1630 स्क्वायर यानी कि टीम बनी हुई है, जिसका सुपरवाइजर 160 है, और पूरे जिले में 93,89,024 टैबलेट की ज़रूरत है DEC की, और एल्बेंडाजोल की ज़रूरत है 37,55,620, और ये सारी दवाइयाँ हमारे हरेक प्रखंड के आशा को बांट दिया गया है माइक्रो प्लान के अनुसार, जो घर घर जाकर ये दवाई अपने सामने खिलाएंगे, इस नारे के साथ कि आपको इस दवाई खाने से भविष्य में फाइलेरिया की बीमारी नहीं होगी, यानी कि ये प्रिवेंटिव मेजर है और फाइलेरिया से बचाव का उपाय है। साथ ही वो मच्छरों से बचने का भी उपाय बताएगी, इसीलिए कहीं इसका कोई सेंटर नहीं है, घर घर जाकर दवा खिलाते हैं। धन्यवाद।